जय श्री राम दोस्तों। कौशिक मैथोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुनः श्री राम नाम जाप की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक गुरु युवा बालकों के एक समूह को विष्णु सहस्त्रनाम सिखा रहे थे। गुरु ने श्लोक दोहराया, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। फिर उन्होंने लड़कों से कहा, अगर तुम तीन बार राम नाम का जाप करते हो तो यह संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम या 1000 बार ईश्वर के नाम का जाप के बराबर है। उनमें से एक लड़का अध्यापक से सहमत नहीं था। उसने शिक्षक से प्रश्न किया, गुरुजी तीन बार बराबर 1000 बार कैसे हो सकता है? मुझे इसका तर्क समझ में नहीं आया। तीन नाम 1000 नाम के बराबर कैसे हो सकते हैं? ज्ञानी तथा निपुण गुरु जो भगवान श्री राम के महान भक्त थे ने अति सरलता से समझाया। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान राम का नाम सभी शब्दों में अधिक मधुर है और इस नाम का जाप संपूर्ण विष्णु सहस्र नाम या विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। इस बात की पुष्टि करने के लिए तीन बार राम का नाम जाप बराबर 1000 बार या संपूर्ण विष्णु सहस्रनाम के जाप के बराबर है। यहाँ एक दिलचस्प संख्यात्मक गणना है। राम के नाम में संस्कृत के दो अक्षर हैं, रा एवं मा। रा संस्कृत का द्वितीय व्यंजन य र ल व श श। मा संस्कृत का पांचवा व्यंजन प फ ब भ म। रा और मा के स्थान पर क्रमशः 2 तथा 5 रखने से 2×5=10। अतः तीन बार राम 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 बोलना 2×5×2×5×2×5=10×10×10। इस प्रकार तीन बार राम का नाम जाप 1000 बार के बराबर है। बालक इस उत्तर से प्रसन्न हुआ और उसने पूरी एकाग्रता और निष्ठा से विष्णु सहस्रनाम सीखना शुरू कर दिया। इसी प्रकार की जानकारी अगर आपको सही लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।